Bandev. Ooh. Haathi, mere saathi. Assalamu alaikum, namaste, adab, sat sri akal aur hello. क्या हाल चाल है आपके. और आज हम जिस मूवी के टीज़र पर रिएक्शन देने वाले हैं, हाथी मेरे साथी. और अचानक ये यू नो यूट्यूब मैंने खोला तो मुझे रिकमेंडेशन में आ रहा था और इस मुझे इंटरेस्टिंग लगा. तो राणा डग्गुबत्ती इस पुलकित सम्राट, श्रेया और जोया इसकी कास्ट है. राणा डग्गुबत्ती जो हैं वो बेसिकली तेलुगु मूवीज़ के एक्टर हैं, बट इनको ये हिंदी फिल्म में भी काम करते हैं. अब ये हाथी मेरे साथी जो मूवी है, ये जहाँ तक मैं इसकी इन्फॉर्मेशन पढ़ रहा हूँ, ये हिंदी में, तमिल में, तेलुगु में आएगी. और इसकी स्टोरी लाइन कुछ ऐसे है कि एक जंगल के बारे में है, जहाँ पे कोई एक ऐसा शख्स जो कि जंगल को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, और एक ऐसा बंदा होता है जो बचाता है, बचाना चाहता है जंगल को, जो मैंने यहाँ मुझे जो समझ आया. तो इसका टीज़र मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि इंटरेस्टिंग होगा. और छोटा होते हुए मैं इस तरह की मूवीज़ बड़ी इन्जॉय करता था. एक हिंदी मूवी थी माँ, जो धर्मेंद्र की थी, वो मैंने बहुत बार देखी. उसमें भी हाथी से रिलेटेड, जू से रिलेटेड था. फिर एक हाथी मेरे साथी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इसी नाम की एक मूवी थी मिथुन चक्रवर्ती की, वो मैंने बहुत देखी भी है. उसमें भी इसी तरह एक बंदर होता है, एक हाथी होता है. तो ये भी देख लेते हैं एंड उसके बाद इस पर हम चर्चा करेंगे, रिव्यू करेंगे, रेटिंग करेंगे और प्रेडिक्शन भी होगी. Eros International. Nice. मुझे जंगल मूवीज बहुत पसंद है. प्राइवेट प्रॉपर्टी. ये क्या दीवारें लगा दी, क्या किया. अगर ये VFX है तो बहुत इंप्रेसिव है. तो तुम कौन हो? भगवान. बंदेव. बंदेव. हाथी मेरे साथी. इंटरेस्टिंग यार, बड़ा इंटरेस्टिंग सा ट्रेलर था. एंड अगर मुझे नहीं पता ये VFX है कि नहीं, पर जो भी है बड़ा इम्प्रेसिव है, बिल्कुल असली लग रहा है. तो बेसिकली फ्रेंड्स, इसमें बहुत इम्प्रेसिव विजुअल्स थे. और हाथी हो गए, चाहे वो शेर एंड में जो आता है, बहुत रियल लग रहा है. मुझे नहीं पता वो रियल है कि VFX है. अगर VFX है तो हैट्स ऑफ. पहली बार मैंने बहुत इम्प्रेसिव VFX देखा है, ऐसा नहीं कि पहले, लेकिन बहुत इम्प्रेसिव और रियलिस्टिक. राणा डग्गुबत्ती जो हैं वो एक ऐसे शख्स हैं जो कि शायद जंगल में ही रहते हैं और जंगल को बचाना चाहते हैं, जबकि जंगल को तबाह करने की कोशिश की जाती है किसी शख्स के ज़रिए. ज़्यादा रिवील नहीं इसमें किया. पुलकित सम्राट भी हमको दिखाई दिए गए एक हाथी के ऊपर बैठे हुए और वो जानवरों वाली ज़बान बोल रहे हैं. तो इंटरेस्टिंग टीज़र लगा. और राणा डग्गुबत्ती की जो एक्सप्रेशंस हैं और परफॉर्मेंस बड़ी इंप्रेसिव लगी. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला, बचपन में भी मैं इस तरह की मूवीज़ बड़े शौक से देखता था, जंगल वाली, जानवरों वाली, तो मुझे अच्छी लगती हैं मूवीज़. और मुझे ये टीज़र भी अच्छा लगा. और एज़ फार एज़ द रेटिंग इज़ कंसर्न्ड, तो मैं इसको 4/5 रेट करूँगा. ट्रेलर आने दें, फिर कुछ ज़्यादा रिवील होगा और ज़्यादा पता चलेगा हमें. एंड प्रेडिक्शन मुझे ये लग रहा है कि क्योंकि राणा डग्गुबत्ती की फ़ैन फॉलोइंग भी अच्छी है और मूवी भी एक अच्छे टॉपिक पर है, तो इसको अच्छा काम करना चाहिए. मुझे मेरी सोच है. एंड अच्छा लगता है कि अब कुछ सेंसिबल टॉपिक्स पर भी मूवीज़ बन रही हैं, कुछ ऐसे इश्यूज़ पर जो कि जिनको हाईलाइट करना चाहिए. आप बताएं आपको ट्रेलर कैसा लगा. रिएक्शन अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दें यार, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि जब भी हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ आएँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. व्लॉग्स मेरे देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा. नए व्लॉग्स भी एडिटिंग प्रोसेस में हैं, वो भी आने वाले हैं. आप बताएं आप किस तरह के व्लॉग्स देखना चाहते हैं. डिफरेंट व्लॉग्स आने वाले हैं. एक मेरा शादी से रिलेटेड होगा, जो आपके भाई की शादी हुई है. और एक मैं जॉयलैंड, पिछले दिनों एक बड़ा बेहतरीन पार्क ओपन हुआ है, थीम पार्क टाइप है, तो उधर भी मैं विज़िट करने गया था शादी के बाद. तो वो भी उसका भी व्लॉग मैंने बनाया छोटा सा, ताकि आप देख सकें कि पाकिस्तान में किस तरह के ये पार्क्स वगैरह हैं. तो वो ज़रूर आपको दिखाऊंगा. इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लें. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें. एक और वीडियो में आपसे होगी मुलाकात. तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.